नमस्कार, आगे बढ़ते हैं आजीविका निर्णय 11। आप देखते होंगे कि हमारा हर पाठ क्रम से आ रहा है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को क्रम से मिले और आप लोग अच्छी तरह ज्योतिष को समझ सकें। हम यहाँ अपने बड़प्पन के लिए नहीं आते हैं, ज्योतिष के बड़प्पन को साबित करने के लिए आते हैं। ज्योतिष का महत्व जो आज दिनों दिन घटता जा रहा है, ज्योतिषियों के प्रति लोगों की भावनाएं कुंठित होते जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वेदांग है, इसका मान मर्यादा बना रहना चाहिए। हम लोग आजीविका में देख रहे हैं, सूर्य से क्या आजीविका प्राप्त होगी, चंद्रमा से क्या आजीविका, बुध से क्या, गुरु से क्या, और आज पहुंच गए शुक्र से। तो हम जो पूर्व में पढ़े उसको याद रख लेना चाहिए। क्या पढ़ा हमने पूर्व में? शुक्र स्त्री प्रकृति का ग्रह है, स्त्रियोचित स्वभाव है। जब स्त्रियोचित स्वभाव है तो स्त्री के आश्रय से, अब इसमें हो सकता है कि आप यदि मंत्रालय में काम कर रहे हों तो आपके मंत्री स्त्री जातक हो, आपका बॉस कोई स्त्री हो, या आप ऐसे रोजगार करते हो जहां स्त्रियों को अधिक काम पे रखना पड़े, तो ये हो गया स्त्री के आश्रय से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अर्थात इस तरह से यदि आपका शुक्र नवांश पत्रिका में जो दशमेश स्थित है उसका स्वामी है। बहुत लोगों को मन में भ्रम है कि सूर्य चंद्रमा से अगर वहां स्थित ग्रह एक है तो उसके विषय में समझें, या जो आपने अगले पाठ में बताया कि सूर्य चंद्रमा और लग्न में जो बलवान हो उससे दसवां देखना है, फिर उसको नवांश में देखना और फिर नवांश के स्वामी की बात करनी है। तो सबसे सटीक नियम तो यही है, बाकी सारे सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। अब स्त्री के आश्रय, अब श्रृंगार प्रसाधन, सूर्य यदि प्रभावी हो आपके इसमें या सूर्य की दशा आई हो तो आप नए कपड़े, नए गहने, अच्छी तरह से रहना, स्त्री जातक हो तो रोज श्रृंगार वगैरह करना, प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा तैयार रहना, ऐसा जातक होता है। तो ऐसे में श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम यदि आप करते हैं, ब्यूटिशियन का काम यदि करते हैं, अब आजकल तो बालों में भी अनेक तरह के बालों की कटिंग और उसको जो है सो जूड़ा बनाने का आदि का कार्य बहुत होता है। तो ऐसे जो भी कार्य आप स्त्री प्रसाधन, श्रृंगार आदि का काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। अब यहाँ हम कहते हैं प्रसाधन में सब चीज आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कहते हैं सौंदर्य के कार्य, आप सौंदर्य का कार्य कई एक प्रकार का होता है, घर को सजाने का काम है, इंटीरियर का काम है, आगे जैसे ही आप जाएंगे किसी भवन को सजाना है किसी खास ओकेजन पे तो उसका काम है, कि स्त्री को सजाना है कि पुरुष को सजाना है, किसी भी तरह के सौंदर्य के कार्य आप करते हों तो आपका शुक्र ही कारक है, ये समझना चाहिए। आगे कहते हैं फैंसी वस्त्र, अब चलन में आ गया, बहुत अधिक चलन में आया है, अब तो आम लोग भी फैंसी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पहले तो वस्त्र हुआ करता था, अब डेली वियर होता है, कहते हैं कैजुअल वियर होता है और पार्टी वियर होता है, ये भी तीन भागों में बट गया है। तो ऐसे पार्टी वियर की बात करते हैं जो इस तरह के परिधानों का काम करता है, जो ड्रेस डिजाइनर है, जो डिजाइन करता है, उसके शुक्र निश्चित रूप से कारक है। अब ड्रेस डिजाइन के साथ साथ अब जितने भी आभूषण डिजाइन का काम है वो सारा शुक्र के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आभूषण स्त्रियां ही अधिक पहनती हैं। अब तो बहुत सारे पुरुषों को भी देखते हैं कि बहुत तरह का आभूषण, गले में चैन है तो हाथ में कड़ा है, अंगूठी है, बहुत कुछ धारण करते हैं, लेकिन स्त्रियां तरह तरह के आभूषण को धारण करती हैं। इसीलिए स्त्रियों के जो आभूषण का डिजाइन का काम है वो सारा शुक्र के अंतर्गत में आएगा, क्योंकि ये काम सौंदर्य से संबंधित है। अब फैंसी वस्त्र आपने समझ लिया, और रेशमी वस्त्र,
कहते हैं सूती वस्त्र का काम जो है वो चंद्रमा करता है, लेकिन रेशमी वस्त्र, फैंसी वस्त्र, जो कपड़ा महंगा हो, जिस कपड़े से डिजाइन तैयार किया जा सके, जो कपड़ा पहनते ही आपका लुक जो है सो सामने निखर कर आए, ऐसे वस्त्रों का निर्माण और उसके प्रबंधन, वितरण, सेल, परचेज, ये सारे काम शुक्र के अंतर्गत आता है। यदि ऐसे वस्त्रों, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फैंसी वस्त्र आप एक्सपोर्ट करते हैं, फैंसी ज्वेलरी आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे काम भी शुक्र के अंतर्गत आता है। भोग विलास आदि के कार्य, अब यहाँ भोग विलास आदि के कार्य का मतलब है कि आपको ये समझना है कि आगे आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि होटल का कारोबार है, एक होटल होता है कि यात्री निवास है, वहाँ किसी तरह से आप ठहर रहे हैं और उससे संबंधित कार्य आप कर रहे हैं, तो ऐसे कार्य नहीं जो लग्जरी होटल है, आप रिसॉर्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, फाइव स्टार की बात करें, तो ऐसे होटल जहाँ भोग विलास का सारा सामान उपलब्ध हो, या आप उसके उपलब्धता के लिए आप किसी न किसी रूप से कारक हों, तो आपका काम शुक्र से समझना चाहिए। कहते हैं नाटक, फिल्म, गीत, संगीत। अब ये नाटक, फिल्म, गीत, संगीत में आपको प्रेजेंट करना है, आप नृत्य करते हुए दिखते हो, आप नाटक करते हुए दिखते हो, आप फिल्में एक्टर एक्ट्रेस और को कलाकार जो कहते हैं, को एक्टर एक्ट्रेस वगैरह का काम करते हो, तो जहां आपको एक्सपोजर मिलता है, जहां आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, लोग आपको देखते हैं, डायलॉग किसी और ने लिखा, गीत किसी और ने लिखा, लेकिन आप गुनगुनाते दिखते हो, ऐसा काम शुक्र के द्वारा होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने एंकर लोग हैं उनके लिए शुक्र का बलवान होना जरूरी है। अगर शुक्र बलवान नहीं होगा तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। लोग आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी है कि जब तक आप आकर्षित नहीं होते तो उस चैनल पे टिकते नहीं हैं, तो आप तभी आकर्षित किसी से हो सकते हैं जब आपका शुक्र बलवान हो, और शुक्र यदि कारक है तो यदि आप एंकरिंग करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लग्जरी गुड, जितने भी प्रकार के आराम से संबंधित सामान होते हैं, उसके क्रेता, विक्रेता, मैन्युफैक्चरर, जो भी काम हो, लग्जरी गुड का जितना भी काम हो, एक आदमी मारुति का काम करता है व्यापार, जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है ये कार, और कोई ऑडी का काम करता है, बीएमडब्ल्यू का काम करता है, तो ऐसे जो लग्जरी कार हैं या लग्जरी सामान, लग्जरी बस, तो हवाई जहाज से संबंधित काम, ये सारे काम शुक्र के अंतर्गत आएगा, तो इसको समझने का जरूरत है। कहते हैं साज सजावट, नेचर की बात होती है, आप जब घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं होटल बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है, अच्छी रोशनियों से सजा हुआ है, तो ऐसे साज सजावट का काम, फूलों से सजावट का विशेष कार्य शुक्र के कार्यकत्वों के अंतर्गत आता है। एयर ट्रेवल एजेंसी, यहाँ रेल के लिए जो काम, अब तो कोई रेल के साथ साथ एयर का भी काम करते हैं, लेकिन कोई टूर ट्रेवल का काम करते हैं, तो जनरल टूर ट्रेवल के लिए हम जरूर चंद्रमा की ओर देखेंगे, लेकिन जब वो लग्जरी टूर ट्रेवल का काम है हमारा, तब हम उसके लिए क्या देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, तो शुक्र ही कारक होगा। अब कहते हैं विस्तार नीति के कार्य, आप किसी कंपनी में होते हैं, कंपनी का माल और बिकना चाहिए, एक स्टेट कवर हुआ और एक स्टेट कवर होना चाहिए, देश के साथ साथ विदेश में भी जाना चाहिए, ऐसा जो विस्तार नीति, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हो, कोई ना कोई नीतिकार होता है जो विस्तार की बात को बताता है और उसमें सफलता पाने का प्रयास करता है, तो विस्तार नीति के कार्य सारे शुक्र के अंतर्गत आएंगे।
साथ में कहते हैं दूध दही घी। अब ये दूध दही घी का काम जो है वो हमारे क्या कहते हैं चंद्रमा के अंतर्गत भी आता है, लेकिन ऐसे डेयरी प्रोडक्ट से जब आइसक्रीम बन जाता है, जब चॉकलेट बन जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की जब बात होगी तब वहाँ जो है सो शुक्र का काम होगा, ये आपको अच्छी तरह समझना है। अब विकास कार्य तो आप जानते ही हैं कि वहाँ रुकना नहीं है। आज आप देखते हैं 3G 4G 5G आने वाला है, 6G आएगा। तो ऐसे विकास कार्यों को करने के लिए जो तत्पर है वो सारे काम शुक्र के अंतर्गत आएगा। मंत्री पद, अब मंत्री पद यहाँ क्यों कहा गया, शुक्र और गुरु दोनों को मंत्री कहा गया है। तो यदि आप अपने बॉस को या सरकार को अपने तरफ से सलाह देते हैं कि इस तरह के विकास कार्य करने चाहिए, इससे आपको लाभ होगा, इस तरह से आपका विस्तार का नीति होना चाहिए, इससे लाभ होगा, तो ऐसे सारे कार्य शुक्र के कार्यकत्वों के अंतर्गत आते हैं। बड़े पद जैसे जज का पद है, इसी तरह से मंत्री का पद है, किसी जिला अधिकारी, कोई एनजीओ के बड़े अधिकारी, ऐसे सारे पद जिसमें नाम भी होता है, आप फेमस होते हो, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हो, तो ऐश्वर्य प्राप्त करने के जितने भी साधन वाले कार्य आप करते हैं वो सब शुक्र के अंतर्गत आता है। आगे आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब भी सौंदर्य के लिए आता और लग्जरी कामों के लिए आता, कहाँ गरीब अपना वीडियोग्राफी करवाता, फोटोग्राफी करवाता। तो आपको शुक्र और गुरु में फर्क भी करना है। आप सिर्फ सुख के लिए धन की प्राप्ति की बात करते हैं तो वहां तक तो गुरु ठीक है। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए कौन सा ग्रह अनुकूल होगा, शुक्र अनुकूल होगा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब तक ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, जहां तक हमारा सामर्थ्य है हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये समझिएगा कि शुक्र के कार्यकत्वों के अनुकूल आप कार्य कर रहे हैं, ये आपके लिए सही है नहीं है। यदि आप यहाँ से नहीं समझ सकते तो आप अपने पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं, और पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो जाए तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।